सीएमओ की कार ने 5 को रौंदा, एक की हुई मौत। 14 दिसंबर को खरगोन में कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएमओ मोहन सिंह को किया था निलंबित, तभी से तनाव में है। सागर के सुरखी थाना अंतर्गत ग्राम चितौरा में पूर्व जनपद सदस्य निर्मल जैन के मकान में लगी भीषण आग। घर में किराना दुकान का लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंचकर सुरखी थाना प्रभारी मीनेश भदौरिया ने अपने हाथों से आग बुझाने का किया प्रयास। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सागर में थानेदारी से लेकर सीएसपी रहे रक्षपाल सिंह यादव ने ली कांग्रेस की सदस्यता। बढ़ा मलहरा छतरपुर से दावेदारी की तैयारी। सागर के मकरोनिया के दीनदयाल नगर में एक स्पा सेंटर पर महिला थाना प्रभारी रीता सिंह और मकरोनिया थाने की सम्मिलित कार्यवाही। स्पा सेंटर से 5 लड़कियों को पकड़ा। युवा दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर के राहतगढ़ में सूर्य नमस्कार का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में प्राचार्य आर के कपूर ने स्वामी के चित्र पर माल्यार्पण कर जीवन चरित्र पर डाला प्रकाश। सागर में कोविड आई थाई डॉक्टर कर्मचारी के प्रतिनिधिमंडल ने किया करनी सेना भारत के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह का स्वागत। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से कराया अवगत। ये हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो है, ये जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है, इनको सरकार ने कोरोना काल के समय जो पहली लहर आई थी उस समय इनको सबको लगाया और इनसे सेवाएं दी। उसके बाद इनको अचानक बिना सूचित किए निकाल दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। तो कल हमारी भी कई सूत्रीय मांग भोपाल में जमपुरी मैदान में यहाँ सामने प्लेट कर ली। जो अपना कई सूत्रीय मांग जो अपन ने जमपुरी मैदान में आंदोलन रखा था, उसमें इनका भी इन लोगों की मांग थी कि हमें नियमित किया जाए, क्योंकि कोरोना काल के समय इन्होंने अपनी विशेष सेवा जो अपनी जान पे खेल कर इन्होंने सेवा दी है। तो हम चाहते हैं और हमने सरकार से भी निवेदन किया था और हमारी मांगों में इनका भी जिक्र हुआ है कि इन लोगों को नियमित किया जाए, क्योंकि ये हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स हैं। इन लोगों ने अपनी एक ऐसी अपने जीवन की एक ऐसा समय अपने लिए दिया है कि जीवन दिया कि जिस समय लोग घर से निकलने में डरते थे। जी सर, हमारा भाई साहब से यही अनुरोध है कि हमारी जो मांग है वो शासन तक रखें और हम लोगों ने जो अपना समय दिया जान पर खेल कर कोविड के टाइम में, जब कोई भी व्यक्ति जो नियमित डॉक्टर्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे थे, तब हम लोगों को नियुक्त किया गया था। तो बस भैया से यही अनुरोध है कि हम सभी लोगों का ध्यान रखें और शासन से हमारी नियुक्ति के लिए अपील करें और जो आपने मांग पत्र में पॉइंट हमारा रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग सब लोग आभारी। नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत चाबरपठा में ग्राम गंगई से बिलथारी तक बनने वाली प्रधानमंत्री सड़क में मदनलाल एंड कंपनी छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जा रहा था ताला मटोली के साथ कार्य, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसीलदार महोदय तेंदुखेड़ा से की, जिसके बाद कलेक्टर ने जाकर सड़क का किया निरीक्षण। नाराजगी जाहिर करते हुए कंपनी को कार्य तत्काल बंद करने के दिए आदेश। आप अपना सर्टिफिकेट बना लो विकलांग, हाँ तो उसमें पेंशन मिल जाएगी। सागर जिले के खोड़े के ऑडिटोरियम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। इसके साथ साथ आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर
हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। सब इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में दुनिया में जब भी कोई बड़ी क्रांति आई हो युवाओं के माध्यम से ही आई हो, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत की धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार की दृष्टि से भारत के लिए जो उनका योगदान है वह हम सब युवाओं को जानने और समझने की आवश्यकता। सागर जिले के खुरई में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई के हाट बाजार के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सागर के सारोद थाना क्षेत्र के परसौरिया में एटीएम को काटा गैस कटर से वहीं पैसा निकालने में रहे आरोपी असफल। एटीएम टूटने की यह परसौरिया में दूसरी घटना, इसके पहले यहां सेंट्रल बैंक का एटीएम तोड़ चुके हैं चोर। सागर के बागराज बोर्ड स्थित बीडी कॉलोनी में टायर रखकर किया गया अतिक्रमण, नहीं दे रहा कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान। सागर में सभी के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती और युवा दिवस पर आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम में निम्न विद्वानों ने रखे अपने विचार। समाज के वरिष्ठ और परिवार के मुखिया और जवाबदेह बनकर नई पीढ़ी को दीक्षा दें, प्रोफेसर पी के श्रीवास्तव ने कहा। तो बच्चों को संस्कारित करने में माँ की सबसे बड़ी भूमिका, अधिवक्ता आशा तिवारी ने कहा। वहीं अध्यक्षीय उद्बोधन में पंडित कैलाश देवालिया ने कहा कि युवा देश की आन बान शान, देश को आगे बढ़ाने में दें अपना योगदान। कार्यक्रम में अन्य विद्वानों ने भी रखे अपने अपने विचार। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के 5 मंडलों में मंत्री क्रिकेट टूर्नामेंट का युवा दिवस के मौके पर एक साथ हुआ शुभारंभ। वहीं जैसी नगर के नवनिर्मित गोविंद स्टेडियम में जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काट कर किया शुभारंभ। पहला मैच औरैया क्रिकेट क्लब और बड़ौदा क्रिकेट क्लब के बीच में खेला गया। सुर्खी के युवा हमारे बहुत आगे बढ़े हैं, आसमान की ऊंचाई छुए, उनके पंख में वो दम देना चाहते हैं हम कि वो हर जगह जब भी हम जहां जाएं हिंदुस्तान के किसी कोने में तो सुर्खी विधानसभा का आदमी वहां मिलना चाहिए, ये हमारी तमन्ना है। युवा ही आने वाले कल के भविष्य और हम चाहते हैं वहाँ हमारी पूंजी को समेट के रखा जाए और इनको सही दिशा में मोड़ा जाए, इनको रोजगार मिले, खेल कूद से ये स्वस्थ हों। आपने देखा होगा कि पूरी विधानसभा में 2-2 करोड़ के स्टेडियम आप जहां खड़े देख रहे हो, कितना बढ़िया स्टेडियम बन गया है। युवा हमारी पूंजी है, इनके भविष्य के लिए हम चिंतित रहते हैं।